मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम मीडियन कैलकुलेशन किस प्रकार से करते हैं, माध्यिका की गणना अलग अलग प्रकार के डाटा में किस प्रकार से करते हैं, उसके बारे में बात कर रहे थे। और हमने कल इंडिविजिबल सीरीज़ में जो मीडियन का काउंटिंग किस प्रकार से होता है, इस बारे में बात की थी। व्यक्तिगत श्रेणी में हमने मीडियन काउंटिंग कल की थी। आज हम बात करेंगे असतत सारणी में या डिस्क्रीट सारणी में हम किस प्रकार से मीडियन का कैलकुलेशन करते हैं। फॉर्मूला यहाँ पर भी वही है, मीडियन इज इक्वल्स टू एन प्लस वन बाय टू ऑब्जर्वेशन। इस नंबर की जो ऑब्जर्वेशन होगी वो उस डाटा का मीडियन कहलाएगा। यहाँ पर भी हम क्या करते हैं कि पहले वैल्यू को, वेरिएबल्स को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में जब भी हमारी सुविधा हो उस हिसाब से अरेंज कर लेते हैं और उनकी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसीज के लिए कॉलम बना लेते हैं। और फिर एन प्लस वन बाय टू वाला फॉर्मूला अप्लाई करके हम देख लेते हैं कि हमें कौन से आइटम का साइज़ देखना है और फिर उसको हम क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में सर्च करते हैं कि वो कहाँ पर आता है। जिस कॉलम में वो स्टैंड करता है, जहाँ पर वो आता है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम वैल्यू को ले लेते हैं और वो वैल्यू ही उस जो भी डाटा है हमारे पास उसका मीडियन वैल्यू कहलाता है। तो इस प्रकार से हम डिस्क्रीट सीरीज़ में मीडियन का जो काउंटिंग है वो करते हैं। यहाँ मैंने आपके लिए एक एग्ज़ाम्पल लिखा है जिसमें मेरे पास डाटा है, वेरिएबल्स हैं 100, 200, 400, 550 एंड 700। मैंने उनको असेंडिंग ऑर्डर में ही छोटे से बड़ा अरेंज किया हुआ है। इनकी कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है 2, 4, 3, 6 एंड 5। अब मुझे इस का जो है मीडियन निकालना है, तो मैंने क्या किया है कि तीन कॉलम बना लिए हैं। एक कॉलम में मैंने वेरिएबल्स एक्स वैल्यूज लिख दिए, उसके सामने मैंने दूसरा कॉलम बनाया जिसमें मैंने फ्रीक्वेंसीज लिख दी है, और तीसरा जो कॉलम बनाया है वहाँ पर मैंने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज लिखी है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज के लिए हम फ्रीक्वेंसीज को जोड़ते चलते हैं। तो पहले 100 की वैल्यू के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी 2 ही होगी, उसके बाद में 2 प्लस 4 6 हो जाएगी, देन 6 प्लस 3 9 हो जाएगी, फिर 9 प्लस 6 15 हो जाएगी, देन 15 प्लस 5 20 हो जाएगी। तो इस तरह से हमारे सामने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो आ जाती है और टोटल नंबर जो है आइटम का वो है 20, जो कि हमने फ्रीक्वेंसीज को काउंट कर लिया है। तो अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे दैट द मीडियन इज द साइज ऑफ एन प्लस वन बाई टू आइटम, एन इज 20। इस वाली प्रॉब्लम में हमारे पास एन की वैल्यू है 20, तो 20 प्लस 1 बाई टू विच इज़ 21 बाई टू, और वो वैल्यू हुई 10.5 आइटम। मतलब हमें 10.5वां आइटम जो है वो देखना है। अब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 10.5 कहाँ एग्जिस्ट करेगा, कहाँ स्टैंड करेगा, ये देखते हैं। तो क्योंकि हमारे पास थर्ड वैल्यू तक तो 9 ही है, तो ऑब्वियस है इससे तो बड़ा है 10.5, तो ये कौन से वाले कॉलम में आएगा, 15 के साथ वाले कॉलम में आएगा, जिसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 15 आ रही है उस कॉलम में आएगा। तो ये इसमें एग्जिस्ट करता है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग, 15 के कॉरस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल है वो है 550। तो आंसर क्या हुआ यहाँ पे, मीडियन क्या हुआ, 550, क्योंकि ये वैल्यू जो है वो 9 और 15 के बीच की वैल्यू है। तो इसके लिए हम अपर साइड वाले वैल्यू को लेते हैं, वो कि 15 है, और टेबल में 15 से रिलेटेड जो वैल्यू है, जो डाटा है वो है 550। तो हमारे लिए इस क्वेश्चन में जो सॉल्यूशन है वो क्या आया, 550। मीडियन वैल्यू क्या आई, 550। तो इस प्रकार से हम डिस्क्रीट सीरीज़ में मीडियन की काउंटिंग करते हैं। उसके बाद बात आती है कंटिन्यूस सीरीज़ में किस प्रकार से मीडियन निकालेंगे। तो कंटिन्यूस सीरीज़ में मीडियन निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, जिस की जो वैल्यूज़ है या जो फॉर्मूला है वो है एम इज़ इक्वल्स टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू आई या एच। कहीं पे आपको एच मिलेगा, कहीं पे आई मिलेगा, ये आपका फॉर्मूला है। एम इज़ इक्वल्स टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच। यहाँ पर L क्या है, लोअर लिमिट है मीडियन क्लास की, M हम मीडियन को बोलते हैं, लोअर लिमिट मीडियन क्लास की जो लोअर लिमिट है वो L कहलाती है। N यहाँ पर कैपिटल हो कहीं पे स्मॉल हो, ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी जो है वो मीडियन क्लास से, सीएफ जो है वो मीडियन क्लास से पहले वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ क्लास प्रिसीडिंग टू द मीडियन क्लास। F यहाँ पर मीडियन क्लास की फ्रिक्वेंसी है, और H जो है, जिसको कहीं कहीं पे I भी लिखा गया है, ये क्लास का साइज़ है, क्लास इंटरवल है, जो भी हम अज्यूमिंग मीडियन क्लास मानते हैं उसकी साइज़ जो है वो कहलाती है H। तो M इज़ मीडियन, L इज़ लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास,
एन इज नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सी एफ इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रेसिडिंग टू द मीडियन क्लास, एफ इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास एंड एच इज क्लास का साइज, जो भी आपकी मीडियन क्लास है। अब हमारे पास प्रॉब्लम ये आती है कि ये मीडियन क्लास क्या है। तो मीडियन क्लास निकालने के लिए हम रखते हैं एन बाई टू, एम इज इक्वल्स टू एन बाई टू। ये सेम फॉर्मूला मैंने यहाँ पे आपको दे रखा है, एम इज इक्वल्स टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बाई एफ इन टू आई। मैंने एच को यहाँ पे आई लिख रखा है। तो हम ये सारी चीज़ें निकाल सकते हैं, बस मीडियन क्लास जो है उसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे एम इज इक्वल्स टू एन बाई टू, एन इज टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सबसे पहले हम मीडियन क्लास निकाल लेंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को डिवाइड बाई टू करेंगे, और वो वाली मीडियन जिस भी क्लास में वो आता है हमारे यहाँ क्लास इंटरवल में, जिसमें भी वो स्टैंड कर रहा है, जहाँ पर भी वो एग्जिस्ट कर रहा है, उसकी हम लोअर लिमिट या फ्रिक्वेंसी या प्रेसिडिंग क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, उसकी हम सारे डिटेल्स लिख देंगे। तो हमारे स्टेप क्या रहेंगे कि हम सबसे पहले तो जो है टेबल बनाएंगे, जिसमें एक में वेरिएबल्स, नेक्स्ट में फ्रिक्वेंसी, और फिर हम सी एफ कैलकुलेट करेंगे। तीसरा जो कॉलम बनाएंगे टेबल का, उसमें हम क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी जो है उसको कैलकुलेट करेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम मीडियन क्लास निकालेंगे, और फिर मीडियन क्लास निकाल कर उस मीडियन क्लास के अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, उसमें हम सारी वैल्यूज़ को पुट ऑन कर देंगे। तो इस तरह से हम जो है यहाँ पर वो कंटिन्यूस सीरीज़ में मीडियन जो है वो निकाल सकते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से इसको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ मेरे पास वेरिएबल्स हैं 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60, और मेरे पास कॉरस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी है 10 से 20 के सामने 5, 20 से 30 के सामने 9, 30 से 40 के सामने 15, 40 से 50 के सामने 11 और 50 से 60 के सामने 10। इस प्रकार से मेरे पास में वेरिएबल्स और कॉरस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी अवेलेबल है। अब मैंने यहाँ एक तीसरा कॉलम बनाया, और जिसमें मैंने क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसीज रखी। ऑब्वियस है, पहले कॉलम की 5, देन नेक्स्ट 5 प्लस 9 विच इज़ 14, फिर 14 प्लस 15 विच इज़ 29, देन प्लस 11 विच इज़ 40, देन प्लस 10 विच इज़ 50। अब मैंने मीडियन क्लास निकालनी है, मैं जानती हूँ दैट इज़ एन बाई टू, 50 बाई टू इज़ 25, और मैंने देखा कि 25 कहाँ लाई करेगा, कहाँ स्टैंड करेगा। तो 25 जो है 14 से बड़ी वैल्यू है, तो ये 30 से 40 में आ रहा है, क्योंकि इसकी जो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी वो आ रही है 29 तक। ओके, तो ये कहाँ आ रहा है, 30 से 40 वाले में। तो मीडियन क्लास कौन सी हुई, 30 से 40। अब मैं इन सारे वैल्यूज़ को फॉर्मूला में पुट करूँगी। फॉर्मूला क्या है, एम इज़ इक्वल्स टू, जो हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बाई एफ इन टू आई। तो ये फॉर्मूला मैंने यहाँ अप्लाई किया, और मैंने वैल्यू लिखी, एल इज़ लोअर लिमिट ऑफ द क्लास विच इज़ 30, एन 50 है जो मुझे पता है, डिवाइडेड बाई टू माइनस सी एफ। सी एफ क्या है, मीडियन क्लास से पहले वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है जो 14 है, वो मैंने रख दी। उसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास 15 है, वो मैंने लिख दी, इनटू क्लास इंटरवल विच इज़ 10। ये सब मैंने इसमें पुट ऑन कर दिया, और जब मैंने इसको कैलकुलेट किया तो फाइनली मेरे पास जो वैल्यू आई वो आई 37.3। फाइनल वैल्यू मेरे पास आती है 37.3। तो ये जो एग्जांपल मैं आपको समझा रही हूँ, इसका जो मीडियन है वो क्या आया, 37.3। तो इस प्रकार से हम इस फॉर्मूला की हेल्प से एल इज एम इज इक्वल्स टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच, इस फॉर्मूला की हेल्प से मीडियन जो है वो कंटिन्यूस सीरीज में निकाल सकते हैं। बस पहले हमें उसकी मीडियन क्लास निकालनी होगी। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल है मेरे पास, जिससे मैं आपको इसको समझाने की मतलब फिर से आपकी प्रैक्टिस हो जाए के लिए मैं एक और एग्जांपल यहाँ पे आपको दे रही हूँ। इसमें भी मुझे जो डाटा दिया गया है उसमें मीडियन निकालना है। ये 265 मेल स्टूडेंट्स का वेट है किसी वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में, और उसका हमें जो है मीडियन वैल्यू निकालना है। तो मेरे पास क्लास इंटरवल है 90 to 99, 100 to 109, 110 to 119 एंड सो ऑन। इस तरह से मेरे पास 209 तक की वैल्यू है, 90 से लेके 209 तक की वैल्यू है, और उनके सामने कॉरस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसीज लिखी हुई है 119, 30, 42, 66, 47, 39, 15, 11, 1 और 3। ये मुझे क्वेश्चन में दिया गया है। अब मैंने यहाँ पर एक टेबल बना ली, जिसमें मैंने क्लास इंटरवल लिख दिया, वेट जो है, उसके बाद उसके सामने उसकी फ्रिक्वेंसी लिख दी, और तीसरा जो कॉलम बनाया वो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी का कॉलम बनाया, जिसमें मैंने फ्रिक्वेंसीज को जोड़ते हुए लिख दिया। तो वो भी मैं 1, देन 1 प्लस 1 इज़ 2, देन 2 प्लस 9 इज़ 11, देन 11 प्लस 9 इज़ 11 प्लस 30 इज़ 41, देन 41 प्लस 42 इज़ 83, एंड 83 प्लस 66 इज़ 149 एंड सो ऑन। इस तरह से मैंने पूरी 265 वैल्यूज़ जो है वो यहाँ पे लिख दी। अब मुझे निकालनी है मीडियन क्लास, जिसके लिए मेरे पास फॉर्मूला है एन बाई टू।
तो 265 मेरा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो 265 बाई 2 विच इज़ 132.5 ये मैंने निकाल लिया। 132.5 मेरे पास जहाँ स्टैंड कर रहा है वो वाली क्लास है 140 से 149, ओके, क्योंकि उसी के सामने 149 वैल्यू आ रही है, उससे पहले 83 आ रही है, तो ये वैल्यू तो 132.5 टू 83 से ज़्यादा है, तो ये इसके नेक्स्ट वाले कॉलम में आएगी, तो ये इसलिए 140 से 149 तक का जो क्लास इंटरवल है ये मेरा मीडियन क्लास है। इसको ध्यान में रखते हुए मैंने सारी वैल्यूज़ जो है वो फार्मूला में रखी। यहाँ पे m इज़ इक्वल टू, यहाँ x लिखा हुआ है, वैसे जनरली हम m लिखते हैं, m इज़ इक्वल टू l प्लस n बाई 2 माइनस सी एफ बाई एफ इंटू i। मैंने वो सब चीज़ें पुट करी जो मेरी मीडियन क्लास है, उसकी लोअर लिमिट है 140, वो मैंने लिख दी। n बाई 2 132.5 है जो हमने 265 बाई 2 करके निकाला। CF इससे पहले वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है जो 83 है, वो मैंने रख दी। और फ्रीक्वेंसी इस क्लास की फ्रीक्वेंसी है जो मैंने लिख दी 66। I इस क्लास का इंटरवल है जो 10 है, 140 से 149 तक जो है वो मैंने इंटू 10 कर दिया। अब मैंने इन सब के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करी और फाइनली मेरे पास जो वैल्यू आई वो आई 147.5। तो जो ये 147.5 जो वैल्यू है ये जो मेरा इस डाटा का मीडियन हो गया, इसका जो है आंसर जो आया वो आया 147.5। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आपको दिखाई दे रही है कि आई की वैल्यू हमने 10 लिखी है, जबकि यहाँ पर क्लास इंटरवल जो शो हो रहा है वो आ रहा है 140 से 149, जो कि 149 माइनस अगर 140 अगर मैं करती हूँ तो क्लास इंटरवल आता है 9, राइट, जबकि मैं लिख रही हूँ 10। तो ये क्या डिफरेंस है? ये डिफरेंस इसलिए है क्योंकि यहाँ आपके पास सम में इंक्लूसिव सीरीज है, 90 to 99, 100 से 109, 110 से 119, ये कौन सी हुई? अंतर्वेशी सारणी हुई, इंक्लूसिव सीरीज हुई, जबकि हम कैलकुलेशन जनरली एक्सक्लूसिव सीरीज से करते हैं। तो इसको जो मैं एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करूँगी, अगर मैं यहाँ पे एक कॉलम में इसको एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करूँ तो जो वैल्यूज़ आएगी वो हम जानते हैं, 0.5 प्लस कर देते हैं, 0.5 माइनस कर देते हैं, इस तरह से हम इसको एडजस्ट करते हैं। जैसे 0 से 9, 10 से 19 वैल्यू हो तो हम लिख देते हैं 0 से 9.5, उसको कंटिन्यूस बनाने के लिए, और फिर 9.5 से 19.5, फिर 19.5 से 29.5, ये मैं आपको पहले शुरुआती क्लासेस में बता चुकी हूँ। तो वो चीज़ यहाँ पर इम्प्लीमेंट हुई है, और एक्चुअली इसका एक यहाँ पे एक कॉलम और बनना चाहिए था जिसमें हमें इंक्लूसिव सीरीज़ में इसको कन्वर्ट करके लिखना चाहिए था। तो उस स्थिति में हम इसको लिखते 89.5 से 99.5, देन 99.5 से 109.5, फिर 109.5 से 119.5, और फिर 119.5 से 129.5, और इस तरह से जब हम लिखते तो क्लास इंटरवल जो है वो 10 का ही आता, ठीक है। तो इंक्लूसिव सीरीज़ में भले ये 9 का क्लास इंटरवल है, लेकिन जब हम इसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट कर देते तो ये 10 का ही क्लास इंटरवल आता है, इसलिए हमने आई की वैल्यू जो है वो यहाँ पे 10 लिखी है। इससे आप कन्फ्यूज़ नहीं हुई है, और आप जो है पहले इसको एक्सक्लूसिव सीरीज़ में कन्वर्ट कर लीजिए। तो इस तरह से हम जो है ग्रुप डाटा में या क्लास इंटरवल वाले डाटा में मीडियन की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये हमारा जो एक और सेंट्रल टेंडेंसी है मीडियन, यहाँ मैंने आपके लिए एक सम लिखा हुआ है, जैसा मैं आपको रोज़ कहती हूँ प्रैक्टिकल रिकॉर्ड्स में एक सम कीजिए, तो ये वाला सम जो है आप प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में कीजिए। और अगेन यहाँ पर आपके पास 47 to 49, 44 to 46 जो वैल्यूज़ लिखी हुई है वो इंक्लूसिव लिखी हुई है, तो आप इसको पहले एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट कीजिएगा। मतलब आप इसको सीरीज जो बनेगी वो बनेगी 46.5 to 49.5, 43.5 to 46.5, इस तरह से, मतलब 0.5 माइनस कीजिए लोअर लिमिट से और अपर लिमिट में 0.5 प्लस कीजिए, इस तरह से इसकी सीरीज़ बनाइए। एक चीज़ तो ये ध्यान रखने वाली है इसमें, और दूसरी बात जो है यहाँ पर डाटा असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है बल्कि डिसेंडिंग ऑर्डर में है, ये भी आप देख लीजिएगा एक बार, क्योंकि छोटा डाटा नीचे लिखा हुआ है, 11 से 13 नीचे है, जबकि 47 टू 49 ऊपर है। तो जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनेगी वो कहीं नीचे से आपको देखनी पड़ेगी, जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के आप जोड़ देखेंगे वो हम जो लेस देन फ्रीक्वेंसी आप यहाँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे, तो उस स्थिति में हम डाटा लिखेंगे लेस देन 49 विच इज़ टोटल नंबर ऑफ डाटा, फिर लेस देन 47 तो उसमें से 2 घटा देंगे, फिर लेस देन 44 उसमें से 3 घटा देंगे, इस तरह से लेस देन का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डाटा यहाँ बनाएंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग आप इस सम को करेंगे। और अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप अपनी बुक्स की हेल्प से कोई एक जनरल सम जो जहाँ पर ये डाटा वाला प्रॉब्लमेटिक ना हो वैसा वाला सम आप अपने रिकॉर्ड में कर सकते हैं, वैसे सॉल्व करके देखिएगा क्योंकि एग्जामिनेशन में तो किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसमें आपको ये जो मीडियन है वो निकालना है।
ये हमारा सेंट्रल टेंडेंसी का दूसरा हिस्सा हुआ, जिसमें हम मीन पढ़ चुके हैं, मीडियन पढ़ चुके हैं। मीडियन के कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स भी हैं। तो जो मेरिट्स की अगर बात करें तो इट इज़ रिजिडली डिफाइंड, इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू कैलकुलेट, नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, कैन बी कैलकुलेटेड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन विद ओपन एंड क्लासेस। मतलब अगर ओपन एंड क्लासेस है तो भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ओपन एंड क्लासेस से मतलब लेस देन एंड मोर देन वाली जो क्लासेस होती है उस टाइप की। और ग्राफिकली भी इसको डिटरमाइन किया जा सकता है। और ये एक इसका इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि क्वालिटेटिव डाटा के लिए ये एक अकेला मेथड है जो कि एवरेज की तरह यूज़ किया जाता है क्वालिटेटिव डाटा के लिए। क्वांटिटेटिव के लिए तो हम दोनों में और भी कई सारे मेथड यूज़ करते हैं, क्वालिटेटिव के लिए ये अकेला मेथड है जो कि हम यूज़ करते हैं। अब हम इसके डी मेरिट्स की बात करें तो ये सारे ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड नहीं है, फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट के लिए ये कैपेबल नहीं है। और अगर इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो क्योंकि हम पॉइंट में ले आते हैं, इवन प्लस वन करते हैं ना, इवन नंबर हो तो एन प्लस वन बाई टू, तो क्योंकि पॉइंट में वैल्यू आती है तो हम ये कह सकते हैं कि मीडियन जो है वो एग्जैक्टली डिटरमाइंड नहीं होता है। बट फिर भी कुछ एक डिमेरिट्स के साथ भी जो मीडियन है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट सेंट्रल टेंडेंसी है जो कि अब हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे मोड या बहुलक के बारे में। थैंक यू।